बॉलीवुड में किसकी चल रही है अच्छी खासी पकड़, किसने कमाए हैं कितने, इस बारे में हम सभी आपको अपडेट देने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ प्रिया। जुगैटो हो या मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे हो या फिर हो कब्जा, ये सारी मूवी एक ही दिन पे आई थी। मगर सवाल ये उठता है कि किसने कितनी कमाई करी है और कौन किससे आगे चल रही है। तो हम बात करने वाले हैं आज इन्हीं तीनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और ये कौन सी हिट हो सकती है फ्लॉप, या फिर उनका बॉक्स ऑफिस उनके बजट के हिसाब से कितना दूरी पे चल रहा है, या फिर इनका ये वीकेंड इनके लिए अच्छा साबित हुआ या बुरा। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली मूवी से जिसका नाम था जुगैटो। जुगैटो मूवी होती है कपिल शर्मा की, जिसमें वो मनन नाम का किरदार निभा रहे होते हैं। मनन जो कि एक डिलीवरी बॉय होता है जिसकी कोविड के टाइम पे नौकरी छूट जाती है और उसे डिलीवरी बॉय की नौकरी करनी पड़ती है ज्वाइंट। वहाँ जाने के बाद से पार्सल डिलीवर करने पड़ते हैं लोगों के घरों पे जाके, वहाँ पे भी जहाँ पे डिलीवरी बॉय अलाउड नहीं होते, और उसके उसकी कश्मकश में उसकी फैमिली का भी से ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि उसके दो बच्चे, एक बीवी और एक बूढ़ी माँ भी होती हैं। तो जिम्मेदारी के साथ वो अपना घर चलाने के कारण नौकरी को कर रहा होता है, और उसके बीच में उसकी जिंदगी में क्या संघर्ष आता है उसको ये कहानी दिखाती है। ये कहानी आम इंसान की जिंदगी को भी दिखा सकती है जिसने कोविड के टाइम पे एक बुरा वक्त झेला हो। अगर बात करो इस मूवी के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि इस मूवी को 4 दिन हो चुके हैं बॉक्स ऑफिस पे, तो इस मूवी के चौथे दिन का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो था 25 लाख, और इसका जो अब तक का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो चुका है वो हो चुका है 2 करोड़ 9 लाख। मगर ये अपने बजट के हिसाब से अभी थोड़ा पीछे चल रही है क्योंकि इस मूवी का जो बजट होता है वो होता है 10 करोड़। तो 10 करोड़ और 2 करोड़ 9 लाख में थोड़ा फर्क रह गया है, मगर ये मूवी आगे जाके कैसी साबित होगी इसके बारे में अभी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी मूवी पे जिसका नाम होता है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। कहानी होती है एक माँ की जिसकी जो है गवर्नमेंट उनके बच्चों को ले लेती है अपने बच्चों की कस्टडी लेने के चक्कर में। वो माँ पुहार लगाती है हर जगह हर इंसान के पास, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई भी ऐसा इंसान जो कि उसके बच्चों को उसकी कस्टडी दिलाने में मदद कर सकता है। उस माँ के संघर्ष के बारे में कहानी है जो कि रियल लाइफ या रियल इंसिडेंट बेस्ड है। इसके चक्कर में लोगों को ये ज्यादा पसंद आ रही है, खासकर हमारी रानी मुखर्जी के किरदार के कारण भी। तो अगर बात करो इस मूवी की फोर्थ डे के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मूवी ने 14 दिन कमाई करी है 1 करोड़ की, और अभी तक का जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो चल रहा है यानी कि टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो हो चुका है इसका 10 करोड़। मगर अभी भी ये बजट के हिसाब से थोड़ा पीछे चल रही है क्योंकि जो मूवी का बजट था वो था 35 करोड़। तो 35 करोड़ और 10 करोड़ में अभी भी थोड़ा फर्क बचा है। अब बात करते हैं हमारी तीसरी मूवी जिसका नाम होता है कब्जा। कहानी होती है एक आम इंसान की जिसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उसे गैंगस्टर बनना पड़ता है, और वो गैंगस्टर भी कोई ऐसा वैसा नहीं बनता, वो गैंगस्टर बनता है एक अच्छा खासा, एक अच्छे खासे लेवल का, यानी कि जिसका अंडरवर्ल्ड में एक बोलबाला हो। और इसी किरदार के साथ हमारे उपेंद्र जी इस किरदार को निभाते हैं, जिनके साथ संदीप जी उनकी मदद करते हैं, या फिर साइड कैरेक्टर में दिखाए जा सकते हैं या फिर दिखाए गए हैं। अगर बात करें इस मूवी के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो मूवी का जो चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो गया है 41 लाख, यानी कि मूवी अच्छी खासी कमाई कर रही है कंपेरेटिवली, क्योंकि ये मूवी 5 और लैंग्वेज में भी दिखाई गई है तो ये ज्यादा स्क्रीन को कवर कर रही है और ज्यादा ऑडियंस इसकी टारगेट है। साउथ की मूवी अधिकतर एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आती है, चाहे वो KGF हो या फिर कंतारा। तो ये मूवी कैसे साबित होगी ये तो हमें अभी नहीं पता लगा, मगर फिर भी अभी तक इसका जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो गया है 29 लाख, पैच वो गया है 29 करोड़ 15 लाख। तो देखते हैं आने वाले वक्त में मूवी कैसी साबित होने वाली है। इन्हीं और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको इन सारी मूवीज में से कोई सी भी एक मूवी पसंद आई हो या फिर आप इनमें से एक भी मूवी देखी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि उस मूवी का आपको कौन सा डायलॉग या कौन सा किरदार पसंद आया है, या फिर अगर आप इनमें से कोई मूवी देखने वाले हैं तो आप कौन सी चुनेंगे ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद।